क्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशन दैट मीनस देखिए हमने चैप्टर के शुरू से हम बात कर रहे हैं कि हर बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है और फाइनेंस रेस करने के सिर्फ दो सोर्स होते हैं दैट इज इक्विटी एंड डेट शेयर होल्डर्स फंड बोरोड फंड ओनर्स फंड भी बोल सकते हो आप उसको या फिर इसको आप बोरोड फंड भी बोल सकते हो सो वॉट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूरे कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस ऑपरेशन बेसिकली आपकी जो टोटल फंड की रिक्वायरमेंट थी हमने क्रोनोलॉजिकली अभी क्या पढ़ा अभी तक इस पूरे चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर फाइनेंशियल प्लानिंग दैट मीन ये एस्टिमेट करना कि फंड की रिक्वायरमेंट कैसे होगी कितनी होगी और फिर सोर्सेज ऑफ फंड हमको कहां से कितना पैसा रेस करना है तो ये कहां से कितना पैसा रेस करना है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मीन्स इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ डेट डेट एंड इक्विटी लेट से हमारे बिजनेस में टोटल मनी इन्वेस्टेड इज वन थाउजेंड करोड़ रुपीज ठीक है टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना है करोड़, उसमें से आपने फोर्टी परसेंट इक्विटी से मंगाया है और सिक्सटी परसेंट आपने डेट से मंगाया है, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर याद रखना रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज टू फाइनेंस द बिजनेस ऑपरेशन यानी पूरे के पूरे कैपिटल में कितना डेट है और कितना इक्विटी है यानी कितने फंड्स आपने शेयर होल्डर से मंगाए हैं और कितने फंड्स आपने बोरो किए हैं अब बोरो करने के अलग अलग डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं ये हमने एलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था डिबेंचर्स हो सकता है पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है बैंक लोन हो सकता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स हो सकते हैं ये सब क्या है डेट दैट मीन्स आपने बोरो किया है इन शॉर्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रपोर्शन इन द कैपिटल दैट मीनस कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या काम हो गया ये डिसाइड करना कि हमें कौन से सोर्स से मनी रेस करना है ठीक है जैसे मैंने आप लोग को बताया लेट्स से और टोटल कैपिटल वाज 1000 थाउजेंड तो ये डिसाइड करना कि 40 परसेंट इक्विटी से आएगा एंड 60 परसेंट डेट से आएगा ये क्या हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर और जैसे कि अभी तक मैं आपको बताया जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड एंड डेट मतलब बोरोड फंड नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि सम नोट वर्दी पॉइंट अबाउट डेट एंड इक्विटी ये बहुत ईजी है बहुत बेसिक है बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट और इक्विटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें फर्स्ट इज नेचर ओके इक्विटी जो होता है वो बोरोड फंड नहीं होता है ये ओनर्स फंड होता है दैट मीनस इनके पास में वोटिंग राइट right होती है जैसे अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनके पास में वोटिंग राइट right होती है डेट की अगर मैं बात करूं दैट इज बोरोड फंड उनके पास में वोटिंग राइट right नहीं होती है ये एक बेसिक्स है नेचर में डिफरेंस है कि दीज आर द ओनर्स फंड दीज आर द बोरोड फंड नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओके okay. अभी क्यों कैसे हाउ कि डेट का कॉस्ट लोअर कैसे हो सकता है अगर आप बात करते हो कोई भी डेट की लेट से बैंक लोन तो जब भी आप बैंक से लोन रेस करते हो तब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो प्री डिसाइडेड होता है तो कॉस्ट ऑफ डेट की अगर मैं बात करूं तो वो फिक्स्ड है ठीक है बट हाउ इज इट लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताता हूं क्योंकि इक्विटी वालों का कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फिर कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है ठीक है सो द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर क्यों क्योंकि यहां पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है नेक्स्ट इज डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी आई थिंक ये बात हम सबको पता है कि डेट ज्यादा रिस्की होता है कैसे होता है बिकॉज इवन इफ द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट तो भी कंपनी को डेट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो पे करना पड़ेगा बट इफ द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देना पड़ेगा सो so, क्या ज्यादा रिस्की हो गया डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी लेट्स से कि लॉकडाउन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड 19 लॉकडाउन हुआ था सबकी अर्निंग ऑलमोस्ट नील थी दे वर नॉट अर्निंग एनी थिंग बट फिर भी जितने भी लोन थे उनके इंटरेस्ट पे करने पड़े हां इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ा नहीं पे करना पड़ा सो दीज वर सम नोट वर दी पॉइंट अबाउट डेट एंड इक्विटी आगे पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज नाउ दिस इज वन मोर पॉइंट अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली ठीक है फाइनेंशियल लीवरेज मतलब क्या होता है रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल कि मतलब पूरे के पूरे कैपिटल में डेट कितना है लेट से वापस वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं आपका टोटल कैपिटल इज वन थाउजेंड करोर्स उसमें से डेट कितना है सिक्सटी परसेंट तो कितना हो गया सिक्स हंड्रेड करोड़ डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड करोड इज इक्वल टू योर फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डेट कितना हो गया सिक्सटी परसेंट अब देखिए आप बोलोगे यहां पे ओवरऑल कैपिटल लिखा है बट यहां पे आपने डेट प्लस इक्विटी लिखा है तो ओवरऑल कैपिटल मतलब डेट प्लस इक्विटी हुआ ना क्योंकि ये दोनों मिला के तो ओवरऑल कैपिटल बनता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या था प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी सो ओवरऑल कैपिटल मतलब डेट प्लस इक्विटी सो फॉर्मूला क्या हो गया फाइनेंशियल लीवरेज का डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी ये था हमारा फाइनेंशियल लेवरेज अब पढ़ लेते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप जब भी आगे बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे लेट्स से इन योर बीकॉम और इन योर एमबीए तो ये पॉइंट बार 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 आता है ये पॉइंट समझना बहुत इजी है ठीक है येट थोड़ा सा ट्रिकी है एक बार समझ लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज जो अभी हमने पढ़ा और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेजेज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब फाइनेंशियल लीवरेज इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ाता है कैसे बाई मेकिंग यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अब आप बोलोगे डेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न का क्या लेना देना दिमाग में आता है ये क्वेश्चन कि एक जगह पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज की दैट इज डेट दूसरी जगह पे हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न इंक्रीज हो जाता है हाउ इज दिस पॉसिबल पॉसिबल है कैसे कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है जो रेट ऑफ डेट है सबसे पहले वो कम है तो यहां पे इन लोगों को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या फिर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है है ना तो कॉस्ट ऑफ डेट लोअर हो गया क्यों दो केसेस इमेजिन करो फर्स्ट केस जहां पे आपका टोटल प्रॉफिट हुआ था वन हंड्रेड रुपीज का ठीक है आपको नाइन परसेंट देना था टू द बोरोड फंड लेट से आपके बोरोड फंड का इंटरेस्ट निकलता है टेन रुपीज ठीक है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितने रुपए बचे नाइन्टी रुपीज हंड्रेड में से टेन माइनस कर दिए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नाइन्टी रुपीज बच गए ठीक है दूसरा केस इमेजिन करो अभी भी प्रॉफिट हंड्रेड रुपीज का है बट लेट से कि कंपनी ने कोई भी कॉस्ट या फिर कोई भी इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया था तो अब बोरोड फंड होल्डर्स को भी बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा लेट से कि कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं थी और बोरोड फंड और ओनर्स फंड वालों को इक्वल पैसा मिलता तो अब सौ रुपए में से हम बोरोड फंड वालों को कितना देंगे फिफ्टी रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा हंड्रेड माइनस फिफ्टी फिफ्टी रुपीज ठीक है तो बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज फिक्स इट बिकम्स लोअर बिकॉज हमने पहले से फिक्स करके रखा है तो उसके कारण क्या हो गया कॉस्ट ऑफ डेट लो हो जाती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा चंक बच जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस ठीक है अब ये एक और पॉइंट ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक कर दिया ठीक है आप बोलोगे अभी आपने बोला कि डेट ज्यादा होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा अब आप बोल रहे हो जो हम इंटरेस्ट डेट को पे करते हैं वो हमें प्रॉफिट में से माइनस करना है दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है सर अगर हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास में तो प्रॉफिट कम हो गया इसके लिए काम करते हैं मैं आपको दो सम करके दिखाता हूँ ठीक है दो सम करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि जैसे ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं हमारे पास में जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर टैक्स जब हम पे करते हैं तो हमारा अर्निंग पोर्शन कितना आता है चलो आ जाते हैं एक सम के ऊपर With the help of this sum, we are going to understand that how does trading on equity works. हमारे सामने एक sum है, एक situation है, जिसमें एक firm को total fund की requirement है 30 lakh rupees की। firm के पास में तीन situation है to raise the money. First is वो पूरा का पूरा equity से borrow कर सकता है। Second is थोड़ा equity से, थोड़ा debt से। and third situation is maximum from debt and very little from equity. एंड वी हैव टू प्रूव कि अगर डेट ज्यादा होता है तो फिर शायद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न ज्यादा हो जाता है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सॉल्व करते हैं सिचुएशन वन सिचुएशन वन हमारे सामने है यहां पे ओके सिचुएशन वन की अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द टोटल फंड रिक्वायरमेंट दैट इज थर्टी लैक्स वो आई थिंक तीनों सम में सेम रहेगी तीनों सिचुएशन में द टोटल फंड इज थर्टी लैक्स बट इन दिस केस वी हैव जीरो डेट वी हैव हंड्रेड परसेंट इक्विटी यहां पर पूरा थर्टी लाख इज फ्रॉम इक्विटी एंड डेट से हमारे पास में है जीरो रुपीज तो चलो सम सॉल्व करना चालू करते हैं कि कैसे वो करेगी ट्रेडिंग ऑन क्विटी सबसे पहले इन द समय टीबी दिया हुआ है ,00 का मतलब क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो सबसे पहले हमको क्या माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट उसके बाद में हम माइनस करेंगे टैक्स तो लेस कर देते हैं हमारा इंटरेस्ट ओके नाउ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट हमारे पास में है टेन परसेंट ठीक है डेट कितना है जीरो तो जीरो का टेन परसेंट कितना होता है आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे करते हो आप इंटरेस्ट किसको पे करोगे बोरोड फंड होल्डर्स को दैट इज डेट को तो टेन परसेंट ऑफ जीरो इज जीरो जीरो का टेन परसेंट कितना होता है जीरो तो हमारा इंटरेस्ट हो गया जीरो नाउ फोर लैख माइनस जीरो इज अगेन फोर लैख्स तो ये हमारा आंसर क्या आ गया दिस इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट दैट इज ई ए आई जैसे मैंने आप लोग को बोला कि पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे फिर हम टैक्स माइनस करेंगे तो अब माइनस कर देते हैं टैक्स ओके नाउ टैक्स कितना दे रखा है थर्टी परसेंट टैक्स है हमारे पास में थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट किस चीज का ऑफ फोर लाख रुपीज तो फोर लाख ,00 का थर्टी परसेंट कितना होता है इट्स वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ये टैक्स है हमारा सो so, अगर फोर लाख में से हम वन ट्वेंटी माइनस कर देंगे तो द आंसर विल बी टू लाख एटी थाउजेंड नाउ दिस इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ये हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम लोग ई ए टी भी बोलते हैं वी ऑल्सो कॉल इट ई ए टी दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स तो दिस इज द फाइनल अर्निंग्स अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी अमोंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो हम इसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स ओके अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स तो दे ही नहीं रखा दे रखा है टोटल इक्विटी फंड कितना है हमारे पास में थर्टी लैक्स फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हमको कितना दे रखा है टेन रुपीज दैट मीन्स अगर दस रुपए का एक शेयर है और हमारे पास में टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है थर्टी लैक्स तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए थ्री लैख बिकॉज थ्री लाख शेयर्स इंटू टेन रुपीज दैट विल गिव यू द टोटल कैपिटल ऑफ थर्टी लैक्स सिंपल फॉर्मूला है थर्टी लैक्स इज द टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाई द फेस वैल्यू दैट इज टेन रुपीज तो थर्टी लाख डिवाइडेड बाई टेन विल गिव यू थ्री लाख इक्विटी शेयर तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको थ्री लैख से वी विल डिवाइड टू लाख एटी थाउजेंड फ्रॉम थ्री लैक्स तो वॉट विल बी योर आंसर दैट इज योर ई पी एस तो अर्निंग पर शेयर आपका आएगा जीरो दिस इज योर ई पी एस इन द फर्स्ट सिचुएशन दैट मीन्स अगर कंपनी को थर्टी लाख की टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है और कंपनी ने पूरे के पूरे थर्टी लाख रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर से रेस किए हैं तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया कंपनी का 0.93 इन द केस जहां पे हमारा ई बी आई टी एस फोर लाख रुपीज अब हम दूसरा केस लेते हैं दूसरा केस हम लेंगे जहां पे कंपनी ने थोड़े पैसे रेस किए हैं फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स और थोड़े पैसे रेस किए हैं फ्रॉम द बोरोड फंड तो इसको हम नाम दे देते हैं हमारा सिचुएशन टू सिचुएशन टू यहां पे भी हमारे पास में टोटल फंड कितना है टोटल फंड इज थर्टी लैक्स इसको हमने डिवाइड किया है बिटवीन इक्विटी एंड डेट इक्विटी इस बार हमारे पास में है ट्वेंटी लैक्स ठीक है और डेट है हमारे पास में टेन लैक्स ये देखने की ज़रूरत है यहाँ पे हमारे पास में इक्विटी थी पूरी थर्टी यहाँ पे हमने इक्विटी से ट्वेंटी रेस किए हैं एंड द रिमेनिंग टेन लैक्स हमने डेट से रेस किए हैं तो वापस सेम सम अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे ई बी आई एंड टी वो है हमारे पास में सेम रहेगा फोर लैक्स माइनस क्या करते हैं हम सबसे पहले भी डिडक्ट द इंटरेस्ट तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे अब दिस केस में इंटरेस्ट तो टेन परसेंट है यहां पे जीरो था यहां पे कितना हो जाएगा टेन परसेंट ऑफ डेट क्योंकि हम डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो टेन लाख का टेन परसेंट कितना हो गया वन लाख तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे हमारे पास में अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट फोर लाख थी बट यहाँ पे हमारे पास में अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगी थ्री लाख क्यों थ्री लाख? बिकॉज हमने वन लाख रुपीज एज इंटरेस्ट पे कर दिए हैं टू द बोरोड फंड होल्डर्स दैट मीन्स डेट होल्डर्स को हमने वन लाख रुपीज एज इंटरेस्ट पे किया है अब हमको इसमें से माइनस करना है टैक्स जो हमने लास्ट सम में लास्ट सिचुएशन में भी किया था अब लास्ट सिचुएशन में हमने फोर लाख ,00 का थर्टी परसेंट काउंट किया था बट इन दिस सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट थर्टी परसेंट ऑन थ्री लाख रुपीज क्यों क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन इंटरेस्ट माइनस होता है फ्रॉम द इंटायर प्रॉफिट तो इंटरेस्ट वन लाख है प्रॉफिट था फोर लाख ,00 तो माइनस होकर जो थ्री लाख ,00 बचा हम उस पे टैक्सेशन काउंट करेंगे तो थ्री लाख ,00 का थर्टी परसेंट कितना होता है इट्स नाइन्टी थाउजेंड सो so, हमारे पास में जो अल्टीमेट प्रॉफिट बचा वो कितना था टू लाख टेन थाउजेंड अब ये प्रॉफिट हम लोग मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इसको आप इटी भी बोल सकते हो दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अब ये टू लाख टेन थाउजेंड हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास में थ्री लैक्स नहीं इस केस में हमारे पास में इक्विटी शेयर्स हैं टू लैक्स क्यों टू लैक्स अगेन देखिए टोटल इक्विटी से आपने रुपए कितने मंगाए ट्वेंटी आपका फेस वैल्यू पर शेयर कितना था टेन रुपीज तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास में कितने हो गए हैं टू लाख ट्वेंटी लाख डिवाइडेड बाई टेन गिव यू टू लाख तो यहां पे हो जाएगा टू लाख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लाख ये टू लाख क्या है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स तो टू लाख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लाख इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1.05 ये क्या है आपका ई पी एस दैट इज अर्निंग पर शेयर तो अभी तक हमने दो सिचुएशन कैलकुलेट कर ली सिचुएशन वन जहाँ पे कंपनी ने पूरे 30 लाख रुपीस इक्विटी शेयर होल्डर से रेस किए थे हमारा टोटल ई पी एस दैट इज अर्निंग पर शेयर था 0.93 दूसरे सिचुएशन में हमने क्या किया इंस्टेड ऑफ रेजिंग द दर थर्टी लैक्स फ्रॉम इक्विटी वी डिसाइडेड टू रेस ट्वेंटी फ्रॉम इक्विटी एंड टेन लैक्स फ्रॉम डेट तो यहां पे हमारा ईपीएस कितना आया द फाइनल अर्निंग पर शेयर वॉज वन पॉइंट जीरो फाइव सिमिलरली अब हम थर्ड सिचुएशन देखेंगे इज सिचुएशन थ्री ओके इन दिस केस अगेन हमारा टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज स्टिल गोइंग टू बी थर्टी लैख्स ठीक है आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना हम सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहे हैं ऐसा मत सोचना कि सर आपने पहले भी थर्टी लाख रेस कर लिए वापस थर्टी लाख रेस कर लिए अब आप वापस थर्टी लाख रेस कर रहे हो नहीं अभी तक हमने रेस नहीं किया है हम सिर्फ अलग अलग सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं जहां पे कंपनी अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करती है ऑफ इक्विटी एंड डेट तो कंपनी को अर्निंग पर शेयर कितना मैक्सिमाइज कर सकती है तो यहाँ पे अगेन अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दिस केस इक्विटी से कंपनी ने मंगाए हैं टेन लैक्स एंड डेट से कंपनी ने मंगाए हैं ट्वेंटी लैक्स देखिए उल्टा कर दिया यहाँ पे यहाँ पे इक्विटी से ट्वेंटी था अब इन्होंने डेट पे ट्वेंटी कर दिया है पहले डेट में टेन था यहाँ पे इन्होंने इक्विटी पे ट्वेंटी कर दिया है तो फटाफट सम सॉल्व कर लेते हैं वापस सेमसम ई बी आई टी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज फोर लैक्स ठीक है क्या माइनस करेंगे अभी अभी पढ़ा हमने लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी लैक्स दैट इज टू लैक्स देखिए इंटरेस्ट तीनों केस में अलग है इन द फर्स्ट केस इट वाज जीरो सेकंड केस इट वाज वन लाख एंड इन द थर्ड केस इट इज टू लाख क्यों बिकॉज द डेट अमाउंट इज डिफरेंट इन ईच केस जीरो का टेन परसेंट जीरो

थर्ड केस में हो जाएगी सिक्सटी थाउजेंड क्यों बिकॉज इन द फर्स्ट केस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट वॉज फोर लाख तो फोर लाख का थर्टी परसेंट इज़ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इन द सेकेंड केस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट वॉज थ्री लाख सो थ्री लाख का थर्टी परसेंट इज नाइन्टी थाउजेंड एंड इन द थर्ड केस वे आर द इंटर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इज टू लाख तो वहाँ पे टू लाख का थर्टी परसेंट इज सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पे हमारा टू लाख माइनस सिक्सटी थाउजेंड विल बी वन लाख फोर्टी थाउजेंड वट इज दिस वन लैक फोर्टी थाउजेंड दिस इज नथिंग बट अर्निंग आफ्टर टैक्स सिंपल तो बेसिकली हमारे पास में जो टोटल अर्निंग थी उसमें से हमने पहले इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया फिर हमने टैक्स भी माइनस कर दिया अब हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ शेयर्स सिंपल है नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास में टोटल इक्विटीज टेन लैक्स फेस वैल्यू पर शेयर टेन रुपीज तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए

पॉइंट तो सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कहां पे है सिचुएशन थ्री में सो बेसिकली वी हैव प्रूफ कि अगर कंपनी मैक्सिमम मनी डेट से रेस करती है तो अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होती है बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज इट कंपल्सरी इन ऑल द केसेस लेट्स फाइंड आउट सो इन द फर्स्ट सिचुएशन द टोटल फंड रिक्वायर्ड बाई द कंपनी इज स्टिल थर्टी लैक्स in the first case like just like in the previous sum the total equity is 30 lakhs and debt is zero. so let's find out is case mein eps kya hoga sabse pehle hum kya lete hain earning before interest and tax that is given us 2 lakhs सबसे पहले हम क्या minus करते हैं? we always deduct the interest ओके अब इंटरेस्ट हमारा कितना है टेन परसेंट बट यहां पे डेट कितना है जीरो तो जीरो का टेन परसेंट कितना होता है जीरो तो दैट विल गिव अस टू लाख माइनस जीरो विल बी स्टिल टू लैक्स सो वॉट इज दस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इज टू लैक्स अब हम क्या माइनस करेंगे वी विल डिडक्ट टैक्स ना वॉट इज टैक्स 30% दे रखा है आपको कि टैक्स इज 30%, 30 किस चीज का दो लाख का सो वट इज दर्टी परसेंट ऑफ टू लैक्स इट्स सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे सिक्सटी थाउजेंड इट विल गिव अस अ टोटल ऑफ वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब यहाँ पे हम क्या करते हैं हमेशा वी डिवाइड द अर्निंग आफ्टर दिस इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट अर्निंग आफ्टर टैक्स एज वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब हमको डिवाइड करना है वन लाख फोर्टी थाउजेंड को बाय द नंबर ऑफ शेयर्स तो वी विल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने है हमारे पास में द टोटल इक्विटी कैपिटल इज थर्टी लैक्स फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है टेन रुपीज तो थर्टी लाख डिवाइडेड बाई टेन करेंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एस थ्री लैक्स सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ईपीएस आएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन सो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ फर्स्ट केस में हमने क्या किया हमने पूरे फंड की रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने इक्विटी शेयर से रेज करी इन द सेकेंड सिचुएशन हम क्या करेंगे लेट्स फाइंड आउट दिस इज सिचुएशन टू स्टिल द टोटल फंड रिक्वायर्ड बाई द कंपनी इज थर्टी लैक्स यहां पे कंपनी इंस्टेड ऑफ रेजिंग द इंटायर थर्टी लैक्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स कंपनी इज रेजिंग ट्वेंटी लैक्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड टेन लैक्स फ्रॉम डेट ओके सम शुरू करते हैं जस्ट लाइक इन दिस केस सबसे पहले हम लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज गिवन एस टू लाख रुपीज सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस पे जाता है ऑन डेट तो वॉट इज टेन परसेंट ऑफ टेन लैख्स दैट इज अगेन वन लैख सो वॉट इज लेफ्ट टू लैख माइनस वन लैख विल बी वन लैख ये क्या है दिस इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इज वन लैख नाउ वी डिडक्ट द टैक्स तो वॉट इज टैक्स थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट किस चीज का ऑफ वन लैख तो दैट विल बी थर्टी थाउजेंड वी आर लेफ्ट विथ सेवेंटी थाउजेंड नाउ दिस इज अर्निंग after tax that is 70,000. Now we divide this with the number of shares. What are the number of shares in this case? But if 20 lakh is the equity and the face value of one equity share is 10 rupees, then the number of shares is 2 lakhs. Okay. सो so, अब इस केस में देखो हमारे पास में टोटल जो पैसा बचा है दैट इज सेवेंटी थाउजेंड और हमारा टोटल जो इक्विटी है दैट इज टू लैक्स सो व्हेन वी डिवाइड सेवेंटी थाउजेंड बाई टू लैख वी विल गेट द आंसर एज जीरो पॉइंट थ्री फाइव ये क्या है दिस इज योर ई पी एस सो ईपीएस इन द सेकंड केस विल बी जीरो आपने एक चीज नोटिस करी लास्ट सम में फर्स्ट सिचुएशन से ज्यादा ईपीएस सेकेंड सिचुएशन में था बट नॉट इन द सम इस केस में क्या हुआ सिचुएशन वन का ईपीएस इज मोर देन द ईपीएस ऑफ द सेकेंड सिचुएशन लेट्स फाइंड आउट कि थर्ड सिचुएशन में क्या होगा सो दिस इज सिचुएशन नंबर थ्री स्टिल द टोटल फंड रिक्वायर्ड बाई द कंपनी इज थर्टी लैक्स नाउ दिस टाइम कंपनी हेज डिवाइडेड टेन लैक्स इंटू इक्विटी एंड ट्वेंटी लैक्स इन बोरोड फंड दैट इज डेट सो दिल रिमेन द सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टू लैक्स सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं वी डिडक्ट द इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट हम किस पे पे करते हैं ऑन डेट तो वॉट इज टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी लैक्स ऑफकोर्स इट्स टू लैख नाउ देखो आपने टू लाख में से टू लाख माइनस कर दिया तो आपके में कितना बचेगा जीरो और निल ओके सो दिस इज योर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट दैट मीन्स इस केस में इंटरेस्ट पे करने के बाद में आपकी अर्निंग कितनी हो गई निल दैट इज जीरो सो अब टैक्स माइनस करते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वॉट इज थर्टी परसेंट ऑफ जीरो ऑफकोर्स इट जीरो तो जीरो और निल अगेन ज जीरो सो दिसनिंग आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स जीरो बट क्या ऑफ शेयर होल्डर जीरो होंगे नहीं हो सकते क्यों क्योंकि हमारे पास में टेन लाख रुपीज तो इक्विटी शेयर से मंगाए हुए हैं एंड इफ द फेस वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज टेन रुपीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स द नंबर ऑफ शेयर विल बी वन लाख ऑफकोर्स तो नाउ वी विल डिवाइड ई ए टी दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन by the number of shares that will be divided by 1 lakh but still the eps will be a big zero yahan pe eps aapka kya aaya your eps is zero ye kaise possible hua हमने last सम में तो देखा था कि अगर कंपनी ज्यादा debt borrow करती है तो EPS increase होना चाहिए बट इस केस में तो हमने उल्टा ही कुछ देखा यहाँ पे कंपनी जितनी ज़्यादा इक्विटी ले रही है उतना ही ज्यादा ईपीएस हो रहा है देखो इन दिस केस ईपीएस पी एस इज जीरो पॉइंट फोर सेवन इन दिस केस इज जीरो पॉइंट थ्री फाइव एंड इन दिस केस इट्स जीरो तो इस केस में तो कंपनी ने जितना ज़्यादा इक्विटी लिया उतना ज़्यादा ई रेस रेज हुआ वाई सिंपल लॉजिक बिकॉज यहाँ पे अर्निंग कम थी सो so अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट जो बोरोड फंड आपने बोरो किया है उसका अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना कम है तो ऐसे केस में आपको हमेशा इक्विटी के लिए ही जाना चाहिए